कोलारस मंडी प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आज संपन्न हुआ है, जिसमें बड़ी तादाद में भाजपा कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। इस दौरान पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव भी वहां मौजूद रहे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है, जिसके बाद महेंद्र सिंह यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी की है और आगे जनता के हित में कैसे कार्य किए जा सकते हैं इस पर सभी के सुझाव भी लिए हैं। इस दौरान समस्त विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ता और जनसेवक मौजूद रहे। पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, हमारे जनपद के अध्यक्ष दादा भरत सिंह चौहान जी, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष और उन्हीं के उसमें 20 साल से नगर पालिका चल रही है, हमारे आदरणीय रवि जी, मेरी बेटी यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष न्याय यादव जी, सभी किसान मोर्चा के अध्यक्ष, सभी मोर्चों के अध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्ष और सभी हमारे शिवपुरी से पधारे आदरणीय सोनू भाई, आदरणीय हमारे सभी ममता सिंह, सभी कार्यकर्ता और क्षेत्र से पधारे कोलारस विधानसभा के वरिष्ठ श्रेष्ठ और सभी नए और हमारी सभी महिला कार्यकर्ता, जिनके बल पर ये पार्टी खड़ी हुई है और आगे की चुनाव की तैयारियों में लग गई है। मैं ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का हाथ जोड़कर बहुत बहुत सम्मान और धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अभी देवेंद्र जी ने बताया कि हम चुनावी रण में उतर चुके हैं। ये सभा और ये आज का सम्मेलन पूरे प्रदेश में जगह जगह अलग अलग तारीखों में किया जा रहा है। ये कार्यक्रम की शुरुआत ही चुनाव की शुरुआत है। हम लोग 5 साल से कई तरह की ट्रेनिंग, कई तरह के कार्यक्रम पार्टी आयोजित कर रही थी, आपको हर तरीके से ट्रेन कर रही थी कि हम इस लड़ाई के लिए और आने वाली लोकसभा के लिए लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। कार्यकर्ता हमारा बहुत सूझबूझ से काम करने वाला है, किसी की बातों को नहीं लगता है, बहुत समझदार है और किसी के बहकावे में भी नहीं आता है। ये मैंने कांग्रेस में रहते हुए देखा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस मिलिट्री के सिपाही की तरह है, जिसके अंदर देशभक्ति अपनी वो भरी होती है, उसी तरीके से पार्टी की वफादारी और पार्टी के प्रति उसकी वो अंदर उसके अंदर बिल्कुल समा गई है, तो कभी भी वो अपनी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करता है। लेकिन चूंकि चुनावी टाइम है, कई लोग टिकट की ख्वाहिश में, कई लोग अपने मंसूबे पूरे करने के लिए इधर से उधर दौड़ रहे हैं, जगह जगह आपको प्रलोभन की तैयारियां कर रहे हैं, जगह जगह आपको किसी न किसी रूप में बुलाने की, आपको तोड़ने की, आपको लोभ देने की कोशिश में अब ये लोग लग गए हैं। क्योंकि कांग्रेस के पास अभी देवेंद्र जी ने बताया कि काम तो कुछ है नहीं बताने को, क्योंकि कुछ किया ही नहीं है, केवल वो तो आपको गुमराह करके कहीं ना कहीं से ये बता करके कि देखो ये कमी है, ये कमी है। भाजपा की जैसा अभी देवेंद्र जी ने बताया कि आप अगर बताएंगे कि हमारी सरकार ने क्या क्या किया है, मैं तो गांव में जाता हूँ तो जब मैं सुनाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार ने कितने काम किए, गिनाते गिनाते मुझे भी खुशी सी महसूस होती है, क्योंकि इतने काम मैं भी कांग्रेस में रहा पहले, लेकिन कांग्रेस में बताने के लिए कुछ था ही नहीं। होता है हम तो ऐसे झूठी लड़ाई लड़ते रहते थे, केवल दादाजी जो अच्छाइयां थी उनके पास से ही लड़ते रहते थे, केवल सिंधिया जी के नाम पर ही लड़ते रहते थे, भाजपा की पार्टी का बताने के लिए कुछ था ही नहीं। हमारे पास तो 9 साल का हमारा मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है, हमारे बाबा शिवराज सिंह जी के किए हुए काम और हमारी पार्टी की जो आज राम मंदिर से लेकर के धारा 370 हटाने से लेकर के और जाने कितनी आप बताएंगे तो निश्चित तौर से उसका बहुत बड़ा प्रभाव जनता के बीच में पड़ेगा। आप ये देख लीजिए कि कितनी छोटी से छोटी है, अगर लाभार्थियों की संख्या हम देखें गांव में जाकर के, अभी लाभार्थियों की लिस्ट आपको उपलब्ध कराई जाएगी, एक एक व्यक्ति को 4-4, 6-6 तरह के लाभ मिल रहे हैं। अभी 60,000 महिलाओं को लाभ मिला, उसको छोड़ दो, कुटी से लेकर के सिलेंडर से लेकर के सम्मान निधि से लेकर के और कई तरह की जो योजनाएं हैं,
उसका अगर आप पूरे लाभार्थियों को गांव में जाकर बताएंगे कि भाई देखो ये पांच तरह के लाभ आपको सरकार से मिल रहे हैं, तो निश्चित तौर से उसके दिमाग में जब एक बार ध्यान कराएंगे ये लाभ आपको मिल रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जाने वाला नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि जो पार्टी मुझे लाभ देगी, जो मुझे सुरक्षा देगी, जो मुझे इलाज देगा, मैं उसके साथ ही रहूंगा। तो मैं तो बस आपसे यही निवेदन करूंगा कि चूंकि जो 5 साल की तैयारी कार्यकर्ता ने की है, आज उस लड़ाई का समय आ गया है। अपने अपनी पोलिंग पर, ज्यादा कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, अपनी अपनी पोलिंग पर अपनी बात को अपने लाभार्थियों तक पहुंचाएं, गांव में 1-2 घंटे निकाल करके और एक एक बात को बताएं। सरकार आपकी बनना तय है, क्योंकि लगातार शिवराज जी योजना की घोषणा योजनाओं को पूरा करने में अपना पूरा समय लगा रहे हैं। आप भी अपना 1 घंटे का समय अगर लगा देंगे रोज, तो मैं दावा करता हूं कि कोई आपकी सरकार को हटाने वाला नहीं है। धन्यवाद। जय।